सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत टाइम बाद एक छोटी सी नाइट राइड पर जा रहे हैं जो कि वीआईपी तक की होगी। और अभी हमको पिपलानी से एक बंदे को उठाना है जो कि मतलब उसको पिक करना है, उसके पास बाइक नहीं है तो अपन को उसको पिक करना होगा। तो यहाँ से अपन उसको पिक करते हैं पिपलानी से, और फिर हमारा जो मीटअप पॉइंट है, हम 3-4 लोग ही हैं तो हमने मीटअप पॉइंट अपना सुरजीत बजाज पे रखा हुआ है। तो बजाज शोरूम पे जाना पड़ेगा यहाँ से, वहाँ पे हमारा मीटअप है, वहाँ से हम लोग फिर वीआईपी के लिए जाएंगे। तो पहले अपने वो बंदे को पिकअप कर लेते हैं, और बंदे का नाम है वैभव, मैं भी पहली बार शायद मिल रहा हूँ उससे। अब देखिए कहाँ खड़ा है वो, उसको बोल देता हूँ 2 मिनट रुक जाना, पेट्रोल डलवा लूँगा। दो मिनट रुकोगे, पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ मुझे, है ना। A few moments later. देखो गिरो, देखो हाँ देखो, ये क्या है? कैमरा। ये काहे काम आता है? रिकॉर्डिंग करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ वीडियोस। ये पूरा रिकॉर्ड होता है, चलते रहते हो? हाँ सब रिकॉर्ड होता है ना, फिर उसमें डाल देते हो? हाँ यूट्यूब पे लाइक करते हैं। हाँ लाइक करते हैं। हाँ पैसा मिलता है? नहीं। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक? हाँ यार भी है ना उसमें। हाँ चल आ जा, बैठ गया। कहाँ से है तू? मैं विदिशा का रहने वाला हूँ। अच्छा तो गाइस अब अपन निकलते हैं, वैभव को बैठा लिया है, पेट्रोल भी थोड़ा बहुत डलवा लिया है। मीटअप पॉइंट में मिलते हैं आपसे, अगर रास्ते में कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो सीधे मीटअप पॉइंट में मिलते हैं। सो हम लोग आ गए गाइस, और अभी अंदर साइड ही जाना पड़ेगा, सब बंद लग रहा है। सैम भाई तो शायद अंदर ही पहुँच गए होंगे अभी तक, देखें पूरा सन्नाटा है यहाँ पे। तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, कोई है ही नहीं। कहाँ गए सब? बीआरटी का वो है ना, टाइम तो कोई नहीं आता। हाँ ये तो है, हमेशा का इनका। दो हम लोग पहुँच गए लेकिन कोई आया नहीं अभी तक, फ़ोन लगा के देखते हैं अब सैम भाई को कहाँ रह गए। सो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद हमको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि भाई रोड के उस पार आ जाओ, रोड के उस पार खड़े हुए हैं सब लोग, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। चल बैठ जाओ, जहाँ बुलाया वहीं मिलते हैं, क्या ही करें। लोकेशन यहाँ की थी, बोल रहे हैं रोड के पार आ जाओ। वैसे 2-3 लोग ही हैं हम लोग, ज़्यादा भी नहीं है, तो वहीं चलते हैं। ये तो रहे, हाँ अब बताओ कहाँ जाना है? काफ़ी दिनों बाद तो बहुत टाइम से खड़े हैं हम, सबसे पहले ये बिजली ऑफिस पे खड़ा था मैं, सबसे पहले बिजली गेट के सामने। अच्छा ये आए, हम लोग इतने से यहाँ पे खड़े, फिर हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। बताओ आप कहाँ कहाँ चलना है? वीआईपी सबसे सुकून वाली जगह इस टाइम। चलो वो सिमर भी बोला था आने के लिए, फोन लगाऊँ उसको? सिमर हाँ, सिमर आने में टाइम लगा देगा। नहीं नहीं उसको बोलेंगे तुम, हम तो वीआईपी आ रहे हैं वहीं आ जाओ। हाँ A few inches later. अभी मैंने मंगवाया है कैमरा। अच्छा कैसोन का, टेस्टिंग के लिए सिर्फ। अच्छा उसको 170 डिग्री दिया, ये कवर कर जाएगा इतना ऐसा? 170 है, 170 थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये हिस्सा आएगा पूरा, यहाँ का शायद आए। अपन जे माउंट लगाया नीचे वाला तो फिर हो सकता है, जे माउंट हो जाएगा ना। टेस्ट तो करो एक बार, हो सकता है कल आएगा वो। आज हाँ हुई नहीं यार अभी तक, टेस्ट करके देखो। हाँ मैंने भी मंगवा ली जैकेट। हाँ हाँ मैंने तो वो मंगा ली GT, Air GT4 Air GT4 मंगाई मैंने, राइनॉक्स की, मंडे को आ जाएगी। सो गाइस अपन निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ ये बताओ कहाँ से आना है? यहाँ से ऊपर लिया, फिर अपन कहाँ चलेंगे? वहाँ से अपने
एमपी नगर ऊपर साइड से। चलो आगे आगे चलो, साथ में चल रहे को। सो गाइस अपन निकलते हैं और प्रभात से हम लोग अभी लेफ्ट होते हुए चलेंगे। सिमर को भी हमने बोल दिया है, सिमर बोल रहा है वो ईदगाह हिल्स पे, तो सिमर डायरेक्ट आ जाएगा वीआईपी पे, जो कि हमने उसको बोला है राजा भोज की मूर्ति के पास आ जाए, तो वो वहीं के वहीं आ जाएगा, उसको पास पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सो अभी हम लोग गाइस ब्रिज पे आ गए और हमारे आगे जीत भाई चल रहे हैं जिनके पास निंजा 300 है, और हमारे पीछे चल रहे हैं सैम भाई। सो गाइस अपन राजभवन आ गए हैं और काफ़ी बढ़िया रोड है इसकी, क्योंकि खाली है और बहुत अच्छा सा लग रहा है, सुकून भरा माहौल है एकदम। और सैम भाई और जीत भाई आगे निकल गए क्योंकि अपने गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई थी, अभी बैटरी अपने चेंज करी है और वो आगे निकल गए होंगे। सो हम लोग अभी कमला पार्क में आ चुके हैं और थोड़ा थोड़ा रश है अभी भी यहाँ पे, जबकि रात का समय फिर भी रश है, और मे भी शायद अभी 10:30 के लगभग हो रहा है, फिर भी थोड़े लोग हैं ज़्यादा यहाँ पे, बट कोई ना, हम तो राइड एंजॉय करेंगे अपनी और आप जगह एंजॉय करो। और हम लोग आज पीसफुल वाली राइड पे आए हैं तो इसलिए नो स्पीडिंग। अब भाई राजा भोज सेतु की आप लाइटिंग देखना क्या मस्त है, गर्म हवा चल रही है, मैंने भी सोचा था ठंडी हवा चलेगी, मैं सोच रहा था जैकेट पहन के आऊं। हाँ कहाँ चलो? अच्छा हाँ, यहाँ तो लेक व्यू चल लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। सो गाइस कैसा मज़ेदार लग रहा है एकदम, देख सकते हो। सिमर को भी अभी फ़ोन लगाना पड़ेगा कि भाई हम लोग आ गए हैं राजा भोज की मूर्ति पे चलते हैं, फिर फ़ोन लगाएंगे उसको। और ओहो क्या गर्मी आ रही है यार यहाँ से, ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है भाई, कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रही है यहाँ पे, तो हमको लग रहा था गाइस यहाँ ठंडक होगी। ओहो जीत भाई फुल मज़े में, रात के यहाँ पे राइडर्स दिख ही आते हैं कुछ ना कुछ, देखते हैं आज हमारी किस्मत में कोई है कि नहीं, सुपर बाइक दिखती है कि नहीं, ज़्यादातर वीआईपी में घूमती रहती है सुपर बाइक, और ये सुपर अंकल जा रहे हैं यहीं पे लगाएं। हम तो लगाते हैं यहीं पे गाड़ी। सो हम लोग वीआईपी पे आ चुके हैं गाइस, और ये रही राजा भोज की मूर्ति, यहाँ से हम लोग लगाते हैं फ़ोन सिमर को और बुलाते हैं यहाँ पे। बाकी आप व्यू देखो बहुत बढ़िया है, रात को उतना अच्छा दिखता नहीं है बट यहाँ पे जो लाइटिंग है ना वो बहुत सुपर लगती है यार, आप देख सकते हो। अरे जैसे यहाँ घुसे ना ह्यूमिडिटी आई एकदम से, वही तो मेरे पैरों में लगे जीन्स के ऊपर, ठंडी हवा का झोंका खाने आए थे, यहाँ तो भपकारे पड़ रहे हैं। लगाओ सिमर को फोन, क्या हाँ वहाँ आएगा मजा। सो हम लोग अभी वीआईपी पे वेट कर रहे हैं, सिमर कितनी देर में आता है देखते हैं। मैं हूँ और अपना वैभव है, सैम भाई है और जीत भाई है, तो देखते हैं कितनी देर में सिमर आता है और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे लेक व्यू, तो आपको वो भी दिखाएंगे। सो हम लोग गाइस निकलने के लिए रेडी हो गए, सिमर भी आ गया था, सिमर भी चल रहा है, हम लोग अभी जा रहे हैं लेक व्यू, आगे से हम लोग घूम के आएंगे फिर लेक व्यू घूम के आएंगे, आपको भी दिखाते हैं। हम लोग घूमने जा रहे हैं, हाँ बोरियत हो रही थी, हम लोग बोरियत के चक्कर में आज घूमने आ गए। आगे रख लेना आज इस पे, गाड़ी चलाने का मजा ऐसे आता है। ओ भाई ये क्या किया, ये कौन सी गाड़ी गई, कितनी तेज आवाज आई थी, बहुत तेज आवाज आई भाई, सुपर बाइक गई आवाज आई अभी, बहुत तेज थी आवाज, यामा जी बहुत तगड़ा साउंड था यार, मॉडल का बाइक
तगड़ा साउंड भी है, 7-8 मॉडल रिएक्शन मिल रहा है आते होंगे। मैं हमको तो स्पीड में ही मजा आता है थोड़ा सा। अरे मैं तो अपनी आईडिया वो हमारे है ना वो भी भगा तो भाई स्लो में चलाने मजा नहीं आता। हाँ भाई तो कंट्रोल हो जाए। हाँ भाई उतनी चलाओ कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे यार जगह अच्छा नहीं है ज़्यादा क्योंकि दोनों साइड से लोग आते हैं। बड़े सही सही लोग मिल रहे हैं आज तो। कहाँ रह गए ये लोग? चार्ज हो गए सबके सब, चार्ज हो गए सबके सब। भाई गली में कौन लगाता है भाई? गली में तो सब भी लगाते हैं भाई। रोड पे चलाते हैं मतलब रोड पे चलाओ, रोड पे चलो। कहाँ खड़ी करें? आगे वहाँ पे करेंगे। वहाँ मज़ा नहीं है यार, लेकिन अंधेरा अंधेरा रहता है। हाँ अंधेरा है, कहीं और चले। चलो 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 भाई, इधर लगाया जाए। और भाई अभी तो मजा आया सिंगल में। हाँ मजे ही आ गए। मैं और जीत भाई काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए। सैम और सिमर का वेट करना पड़ेगा और हम लोग यहीं रुक जाते हैं। इस साइड लगा लेते गाड़ी, गाड़ी यहाँ लगा दें। तो बंद यहाँ लगा देते गाड़ी, दिक्कत तो कुछ नहीं है बट लगा दो यहीं पे। सो गाइस हम लोग अभी लेक व्यू में आ चुके हैं और ये चोर बैठा हुआ है साथ में एक हमारे, और साथ में हमारी दोस्त है और भी। और यहाँ का आप देख सकते हो नज़ारा रात का। नाइट में हमारा कैमरा उतना ज़्यादा शूट नहीं करता है बट ठीक है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा रोहित है, रोहित नाम का एक बंदा है वो भी आ रहा है। और अभी हम लोग रुके हुए, रात ही कितने बज गए, 11:20 हो गया है। घर से भी एक बार फ़ोन आ गया बट ठीक है, थोड़ी देर में जाएंगे आप, थोड़ा घूम तो लें आए हैं तो इन्जॉय करने। हाँ तो कैसा लग रहा है आके? मजा आ रहा है। और देखो जब आप घर में बोर हो ना और आपके पास बाइक हो, चाबी उठाओ निकल जाओ, बेस्ट ऑप्शन। मेरे को आइडिया इतने दिया, मैंने बोला मैं बोर हो रहा हूँ तो भैया ने बोला चलो यार नाइट राइड में चलते हैं। तो हमने कहा चलो आज घूम के आते, बहुत दिन हो गया था घूमा नहीं था, तो बढ़िया अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे फिर चलेंगे यहाँ से। और ये देखो सिमर की नई दोस्त मिली हमको। मैं रात को 1:30 बजे निकला था भोपाल, और ठंड में मेरा वाइजर काला है बंद करके। अरे वो दिखाओ तो क्या दिखा रहे थे, ये देखो गाइस वो सांप का है, सांप दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये देखो ये बाइक थी, इसके मडगार्ड के अंदर सांप बैठा हुआ है।
ये कहाँ की है? विदिशा की। विदिशा की है? 2000 years later. भी नहीं आया रुको क्या नंबर भी नहीं आया अभी तो गाड़ी का नंबर आया पर उन्होंने लगवाया नहीं टायर नहीं देते थे अरे बाहर करो हाँ सर भोपाल ने इतना कुछ छोला दिया भैया अभी दीजिए मैं कुछ छोला रहता हाँ और तो 10 बजे अंधेरा हो जाता चले भैया चल यार मिलते हैं फिर है ना हाँ बताऊंगा मैं फिर गाड़ी का हाँ सैम भाई कहाँ से निकले बताओ हाँ चलो यहाँ चलते क्या हाँ चलो सो अपन के दो साथी निकल गए वो वीआईपी से जाएंगे और हम जाएंगे एमपी नगर साइड से अभी गाइस रात के 12:30 से ज़्यादा हो रहा है और हमारा फ़ोन आ गया चलो देखता हूँ मेडिकल वही खुली होगी तो आराम से आओ हाँ हाँ कोई मेडिकल खुली होगी अभी है ना शायद ही होगी 12 बजे वही तो 12:30 हो गया कहीं से भी चल लो यहीं से चल लो अभी गाइस घर से भी फ़ोन आ गया है बहन का सर दर्द कर रहा है तो दवाई लेते हुए चलना है सर दर्द की अब देखते हैं रात के 12:30 बजे कौन सी मेडिकल खुलती है इतनी रात को तो शायद ही कोई मेडिकल खुले बंद है यार ये तो पूरा बंद है जहांगीराबाद वाला खुला होगा वही खुला होगा फिर हम लोग अभी जहांगीराबाद से होते जाएंगे क्योंकि वहीं पे मेडिकल खुली हो सकती है क्योंकि वहाँ मेन है ना थोड़ा सा एरिया नहीं तो यहाँ से अगर हम लोग एमबी नगर जाते तो कोई दुकान ही नहीं मिलती यहाँ पे तो देखते हैं कौन सी दुकान खुलती है सैम भाई को पेट्रोल पंप भी मिल गया हमको मेडिकल मिल गई सामने सामने भाई सर दर्द के लिए दवाई दे देना मेरे भी इतने ही आते लगभग मेरे को सबसे बड़ी छूट होती है रात को इसलिए शॉप खुली होती है सुबह इनका रमजान स्टार्ट होता है ना फिर इसलिए भोपाल तो फिर भी थोड़ा बहुत खुला रहता है हाँ ये तो काफी खुला है क्योंकि अभी रमजान चल रहा है इस चक्कर में पूरा खुला हुआ है 3:28 AM गुड नाइट बाय सैम भाई भी जा चुके हैं अपन हम दोनों ही बचे हुए हैं अकेले तेरे को कहाँ पिपलानी पे उतारूंगा इसको पिपलानी पे उतारेंगे और अपन निकलेंगे सो इसको उतारते हैं पिपलानी में फिर आपसे आगे मिलते हैं भैया हाँ ठीक है ना मिलते फिर हाँ, तो गाइस अपन के एक और दोस्त को उतार दिया अपन ने और अब अपन चलते हैं आश्रम की और क्योंकि घर से भी फोन आ गए दवाई भी अपन ने ले ली है और अब टाइम है भाई सोने का क्योंकि कल सुबह हमारी मॉर्निंग में वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस है और ऑलरेडी 1 बजने वाला है हमको पहुँचते सोते सोते 1:30 से 2 बज जाएगा क्योंकि भाई नींद आने में भी टाइम लगता है तो गाइस अगर व्लॉग में मजा आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम